इम्पैक्ट अकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, डिजीज। कौन सा है? डिजीज। डिजीज में हम देखेंगे बहुत सारी चीजें आती है डिजीज के अंदर, और सबसे महत्वपूर्ण आता है डिजीज के अंदर हम देखते हैं तो वो है कि कौन सा रोग है। पहला तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रोग है, विषाणु द्वारा होता है, कौन सा जीवाणु द्वारा होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है कि इस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस रोग के अंदर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, एक ये क्वेश्चन होता है। और एक ये क्वेश्चन होता है कि यह किस विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु का नाम भी पूछ ले, थोड़ा डीपली पूछना हो ना तो ये पूछ लेता है कि विषाणु का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि यह विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, यह बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है, और यह हमारा प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। मतलब आपको यह सारा पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं जो विषाणु द्वारा होने वाले रोगों में और बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों में और जो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोगों में, इनके अंदर हम देखेंगे क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो आप देखोगे, हम देखेंगे पहले नंबर पर है परजीवी प्रोटोजोआ। मतलब परजीवी को क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोगों के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो आप देखोगे पहला पॉइंट हम देखें परजीवी द्वारा होने वाले रोगों में। देखोगे आप परजीवी द्वारा होने वाले रोगों में परजीवी क्या होते हैं? हमारे प्रोटोजोआ होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं उनको हम शॉर्ट ट्रिक से ऐसे याद करते हैं, सोना पे काम पाया। कैसे याद करते हैं? सोना पे काम पाया, काम पाया। मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, वैसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सोना पे काम पाया। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, सोना पे काम पाया। ठीक है, तो हम देखते हैं सोना पे काम पाया में पहले नंबर पर है हमारा सोना। सोना मींस क्या है? सोने की बीमारी। क्या है? सोने की बीमारी। ठीक है, और ये किससे होता है प्यारे बच्चों? ये परजीवी से होता है। सोने की बीमारी किससे होती है? परजीवी से होती है। और परजीवी से होती है तो ये भी पूछ लिया जाता है, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावी होता है। कौन प्रभावी होता है? मस्तिष्क प्रभावी होता है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि सोने की बीमारी है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? मस्तिष्क प्रभावी होगा। और यह पूछ ले कि किस परजीवी से होता है, तो यह भी ध्यान होना चाहिए, यह किससे होता है? ट्रिपेनोसोमा भी बोल देते हैं, ट्रिपेनोसोमा भी बोल देते हैं। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा परजीवी के द्वारा यह होता है। अब ये देखो, जो परजीवी होते हैं, जो परजीवी, जैसे आपने बिल्कुल कॉमन नाम सुना होगा मलेरिया का परजीवी, है ना, प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा, और उसका वाहक जो कौन है, वो वाहक कौन है जो उसको रोग को लेकर जाता है, वो कौन है? मादा एनफ्लिज मच्छर है। ये आपने कई बार सुना होगा, मादा एनफ्लिज मच्छर क्या है? वाहक है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका वाहक कौन है? तो इसका वाहक है शीशी मक्खी। कौन सी है? शीशी मक्खी। तो शीशी मक्खी है इसका वाहक है। ठीक है, शीशी मक्खी, वैसे इसको पीटीसी ऐसे बोलते हैं, टीएससी, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में टीएससी टीएससी ऐसे बोल देते हैं, सीसी, टी लोप हो जाता है, सीसी मक्खी। ठीक है, तो हम देखते हैं सोने की बीमारी है वो किससे होती है। यह एक परजीवी है, कौन सा? ट्रिपेनोमा परजीवी, और इसका वाहक कौन है? वाहक है सीसी मक्खी है। वाहक कौन है? सीसी मक्खी है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ये भी ध्यान होना चाहिए कि हम देखते हैं ये क्या है? वाहक है। ये क्या है? वाहक है। ये क्या है? वाहक है। और ये क्या है? परजीवी है। ये क्या है? परजीवी है। और ये क्या है जो मस्तिष्क? ये प्रभावित अंग है। क्या है? इफेक्टेड ऑर्गन है। कौन है? इफेक्टेड ऑर्गन है, प्रभावित अंग है। और ये क्या है? ये रोग है। ये क्या है? रोग है, परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। तो हम देखते हैं ये हमारी क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है ना।
तो आपका पता चल गया कि सोना मीन्स क्या, सोने की बीमारी और किस अंग कौन से प्रभावित होता है, मस्तिष्क। और ट्रिपेनोसोमा क्या है, परजीवी है, परजीवी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोजोवा, है ना। और वाहक कौन है, वाहक मतलब वेक्टर, वेक्टर ठीक है, वेक्टर कौन है, वेक्टर है शीशी मक्खी, और इसको क्या बोलते हैं प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा ठीक है। और हम देखते हैं प्रभावितम मतलब इफेक्टेड ऑर्गन, और ये है हमारा डिजीज है, ये क्या है डिजीज है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो प्यारे बच्चों आगे है पेचिस। पे मीन्स क्या है, पेचिस, पेचिस में शरीर का पेचिस रोग है, जो पेचिस है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्रभावित पेचिस। कहा कि आप कई लोग कहते पेचिस मुझे तो पेचिस हो गई है, कहा कि दस्त लग गए क्या, हाँ दस्त लग गए, तो इससे इंटेस्टाइन प्रभावित होगी, कौन प्रभावित होगी, इंटेस्टाइन प्रभावित होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कौन प्रभावित होती है, इंटेस्टाइन प्रभावित होती है ठीक है। कौन सा परजीवी है, कोई परजीवी है क्या, परजीवी है बहुत ही प्रसिद्ध परजीवी, एंट अमीबा हिस्टोलिका बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिका, क्या बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिका, क्या बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका बोलते हैं ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो वाहक कौन है, वाहक भी है क्या इसका, वाहक नहीं है ठीक है, वाहक नहीं है, तो उसमें हमारे आंत में इफेक्ट डालता है और इसकी वजह से दस्त लगते हैं, तो ये है पेचिस। फिर उसके बाद में हमारा अगला का, का, का मीन्स क्या है, कालाजार, क्या है कालाजार, अजार भी बोल देते हैं कालाजार इंग्लिश में, इंग्लिश में ब्लैक अजार ऐसे बोल देते हैं, कालाजार वैसे बोल देते हैं जार ठीक है, कालाजार, कालाजार अस्थि मज्जा जो बोन मैरो है वो प्रभावित होती है, इससे कौन प्रभावित होता है, बोन मैरो ठीक है। बहुत ही प्रसिद्ध है ये और बहुत बार पेपरों में आता है अस्थि मज्जा, कालाजार में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बोन मैरो, बोन मैरो प्रभावित होती है, बोन मैरो ठीक है। अस्थि मज्जा एक ऑर्गन है, अंग है, वह प्रभावित होगा। परजीवी कौन सा होता है, परजीवी भी देखो जितनी बार भी पेपर में आया इसका, बस ये परजीवी पूरा नाम नहीं पूछा गया, वैसे तो पूरा नाम लिस्मेनिया डोनावानी, क्या है लिस्मेनिया डोनावानी, लेकिन लिस्मेनिया ही पूछ लिया जाता है, लिस्मेनिया, लिस्मेनिया डोनावानी, क्या है लिस्मेनिया डोनावानी ठीक है, लिस्मेनिया डोनावानी है, बस ऐसे याद करना डोनावानी ठीक है, डोनावानी, डोनावानी ठीक है। और इससे वाहक कौन होगा, वाहक लेके कौन आता है, वाहक होता है इसका एक बालू मक्खी, वाहक कौन है, बालू मक्खी है ठीक है, बालू मक्खी इसकी वाहक है, बालू मक्खी। तो इस तरह से हमें सोना पे काम, काम पाया, तो इतना हो गया। फिर हम मैं से हम देखेंगे, थोड़ा रंग बदल लेते हैं इसका, मैं से क्या है मलेरिया, मैं से क्या है मलेरिया, मलेरिया है मलेरिया। और हम देखते हैं मलेरिया में प्रभावित अंग कौन सा होगा, देखो मलेरिया में मानव के अंदर आरबीसी पर प्रभाव पड़ता है, मतलब जो मलेरिया का जो परजीवी है वो आरबीसी को खाएगा, और जिससे जो तिल्ली है, पलीहा जिसको हम बोलते हैं तिल्ली, आरबीसी के अंदर जो तिल्ली है उस पर प्रभाव पड़ता है, और इससे तिल्ली पर भी प्रभाव पड़ता है। इस तिल्ली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्प्लीन, हिंदी में इसका एक और नाम है पलीहा, क्या नाम है पलीहा ठीक है। परजीवी कौन सा होगा, परजीवी सभी को ज्ञात है इसका, कौन सा परजीवी, प्लाज्मोडियम, कौन सा परजीवी है प्लाज्मोडियम, सभी को यह तो ज्ञात है ठीक है, परजीवी कौन सा है प्लाज्मोडियम, कौन सा है प्लाज्मोडियम। लेकर कौन आएगा, मादा, मादा एनोफिलीज मच्छर लेके आएगा, नर नहीं लेके आएगा, नर मच्छर है वह रक्त नहीं चूसते, मादा ही रक्त चूसते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर, नर मच्छर भोजन, एक बार ऐसे पूछा गया था कि नर मच्छर है वो अपना भोजन कहां से लेते हैं, पौधों के रस से लेते हैं, कहां से लेते हैं पौधों के रस से, और मादा है वो मानव के रक्त से ठीक है। तो इस रूप से फिर पाया, पाया मींस क्या है पायरिया, पाया मींस क्या है पायरिया, पाया मींस क्या है पायरिया। प्रभावित अंग कौन सा है, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग कौन सा है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो पायरिया में कौन प्रभावित होगा, मसूडे, मसूडों से खून आना शुरू हो जाता है, मसूडों से खून आना शुरू हो जाएगा, भयंकर खून आना शुरू हो जाता है मसूडों में। और हम देखते हैं इसका जो परजीवी है वो एंट अमीबा जिजेनवेलिया है, क्या है एंट अमीबा जिजेनवेलिस ठीक है, जिजेनवेलिस है। तो हम देखते हैं इसका जो परजीवी है वो कौन है, एंट अमीबा
ठीक है, एंट अमीबा जिंजेवेलिस, ठीक है जिंजेवेलिस। तो हम देखते हैं इससे वहा कौन है, वहाक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी को ज्ञात होना चाहिए हमारा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे प्रभावित अंग कौन से है, प्रभावित अंग कौन से है और इसका वाहक कौन सा है, और प्रभावित अंग कौन से है और वाहक कौन सा है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जब यदि पेपर में आए तो यह क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। यह प्रण लो अपने आप में ही, ठीक है, यह प्रण लेना है, यह क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। यह था हमारा कौन सा, परजीवी द्वारा होने वाले रोग, परजीवी द्वारा होने वाले रोग है, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला, अगला हमारा क्या है, इस तरह से एक शॉर्ट ट्रिक और बना रखी है, यही पेमेंट पाया काला सोना, पेमेंट पाया काला सोना। पे मींस क्या, पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिका, आंत में मलेरिया प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज प्लिया आरबीसी, पायरिया एंड अमीबा जिजनेवेलिस मसूडे, काला काला जार लिस्मेनिया डोडावानी बालू मक्खी से अस्थि मज्जा, और सोना सोना के बीमारी ट्रिपेनोसोमा शीशी मक्खी और मस्तिष्क प्रभावी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग, किसे बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग देखेंगे हम, ठीक है। हमारा क्या है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया उसको बोलते हैं जीवाणु, क्या बोलते हैं जीवाणु बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं जीवाणु, ठीक है। जीवाणु से होने वाले रोग हम देखेंगे, क्या देखेंगे जीवाणु। देखो वहां पर हमने परजीवी में हमने देखा था, बस एक वाहक अलग से देखा था, तो लेकिन यहां पर सेम का सेम वही देखेंगे जो हमने और तो बाकी। तो आप देखो यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक लिख ले, शॉर्ट ट्रिक क्या है, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, ऐसे याद करना है आपने, ऐसे याद करना है, ठीक है। पंडित का टिक न्यू है, आ गया यहां तो, मैं सोच रहा था कभी आए ना, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ऐसे कर लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा ज्यादा ही, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक ऊपर लिख देते हैं, शॉर्ट ट्रिक, यहां शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, यहां रोग हो जाएंगे, रोग यहां ध्यान करना आपने, प्रभावित अंग, और यहां देख लो बस एक आधा बैक्टीरिया याद करना है, और सारे याद, सभी के बैक्टीरिया याद नहीं करने, बस एक दो का जो मैं बता दूं अभी कौन सा याद करना है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखना है प्यारे बच्चों। अब देखो मैंने बताया था आपको पंडित का टिक न्यू है, पंडित प डी त, पंडित का टिक न्यू है, न्यू है, कुछ एक एक्स्ट्रा भी आएगा, एक दो एक्स्ट्रा भी आएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको कुछ एक्स्ट्रा होंगे, एक दो एक्स्ट्रा होगा तो हम यहां का लिख देंगे, ठीक है। देखो अब हम देखेंगे, पहले नंबर पर है पंडित पै, पै मींस क्या होता है, देखो प्लेग, कौन सा रोग है प्लेग, कौन सा है प्लेग। तो प्लेग है मुख्य रूप से आप देखोगे वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है पास्चुरेला पेस्टिज होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है पास्चुरेला पेस्टिज, जो बैक्टीरिया है इसका होता है पास्चुरेला, पास्चुरेला मेनली पेपर में क्या आता है पास्चुरेला ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है।
मतलब इतना ये नहीं आता कि पास्टुरेला पेस्टीज है क्या है, तो पास्टुरेला आपको याद करना है ठीक है। तो हम देखते हैं पन पे से क्या बन गया पेचिस। अब पेचिस है जो पेचिस है, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ये भी पूछ ले पेपर में। देखो जो हमारे लंग्स है ये फेफड़े हैं, तो फेफड़े मुख्य रूप से प्रभावित रहते हैं, फेफड़े हैं वो लंग्स है इससे प्रभावित रहते हैं लंग्स ठीक है, लंग्स प्रभावित रहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं डी पंडित। डी से क्या बन गया डिप्थीरिया बन गया, कौन सा हो गया डिप्थीरिया। डिप्थीरिया आपने सुना होगा भाई श्वास नली है खांसी इस टाइप से हो जाता है, तो इसके अंदर हम देखते हैं डिप्थीरिया है जो आपने देखा हुआ जो एक कोरोना वायरस है आपको ध्यान होगा उसके कई टाइप है, तो उन्हीं में से इससे जो एक बैक्टीरिया भी होता है इनमें जो कोरोनी बोला जाता है, क्या बोला जाता है कोरिनो, क्या बोला जाता है कोरिनो, बस इस तरह से याद कर लेना कोरिनो है कोरिनो बैक्टीरिया, तो बस आप कोरोना से याद कर लेना कोरिनो बैक्टीरिया, वो वायरस की बात थी, ये किसकी बैक्टीरिया का कोरिनो। और डिफ्थीरिया है तो क्या हो जाएगा डिफ्थरी, कोरोनो डिफ्थरी ऐसे याद कर लेना ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा डिफ्थीरिया, क्या हो गया डिफ्थीरिया, तो आपको याद रखना है डिफ्थीरिया कोरिनो डिफ्थीरिया ठीक है, डिफ्थरी से। और प्रभावित अंग कौन सा होगा, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है हमारा, श्वास नली प्रभावित होती है, वही होती है हमारा जो श्वास नली है जो सांस लेने वाली नली है वही प्रभावित होगी, नॉर्मल सी बात है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे अगला, तय मीन्स क्या है तपेदिक, क्या मतलब है तपेदिक, तय मीन्स क्या है तपेदिक। तपेदिक है जो हम टीबी को बोलते हैं, क्या किसको बोलते हैं टीबी को, टीबी को देखो टीबी है बहुत ही भयंकर रोग है तपेदिक, इसको क्षय रोग भी बोल देते हैं, क्षय रोग क्या बोल देते हैं क्षय रोग। जो क्षय रोग है इसमें क्या होगा, देखो आपने कई बार सुना है कि ट्यूब्रोक्लोसिस से हो गया, मतलब ट्यूब्रोक्लोसिस है ये क्या है एक बैक्टीरिया है, और इसका पूरा नाम तो क्या है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूब्रोक्लोसिस है, तो और होता किसे हमारा इससे क्या होता है क्षय रोग होता है और भयंकर है, और इसके लिए दवाई है अभियान जो चला सरकार ने वो डोट्स है, टीबी का पक्का इलाज डोट्स, तो वो भी क्वेश्चन पेपर में पूछा आता है कि टीबी का पक्का इलाज के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा अभियान छेड़ा गया है, तो डोट्स अभियान है वो टीबी के लिए छेड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं इससे क्या हुआ, फेफड़ों से प्रभावित, आपने देखा होगा कि फेफड़े खराब हो गए इसके तो टीबी हो गई थी, तो फेफड़ा है इसमें लंग्स है वही वही पूरा का पूरा, तो हम देखते हैं इससे क्या कौन से बैक्टीरिया से होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूब्रोक्लोसिस, टीबी है तो क्या ट्यूब्रोक्लोसिस है ट्यूब्रोक्लोसिस ठीक है प्यारे बच्चों ट्यूब्रोक्लोसिस। फिर उसके बाद में आप देखो अगला का है जो का, तो पंडित का टिक न्यू है, तो का है या तो इससे का से बना, कैसे यहां से बना लो या इस का से बना लो, तो हम देखते हैं का से मुख्य रूप से बनता है काली खांसी, क्या बनता है काली खांसी, और काली खांसी है वो पूरे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, किसे प्रभावित करती है श्वसन तंत्र को, तो काली खांसी है इसको बोला जाता है प्रिट्यूसिस, क्या बोला जाता है प्रिट्यूसिस, प्रिट्यूसिस है तो बैक्टीरिया का नाम भी क्या है प्रिट्यूसिस से ही मिलेगा, तो हम देखते हैं इसका पूरा जो बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस प्रिट्यूसिस, क्या नाम है हीमोफिलस प्रिट्यूसिस, हीमोफिलस प्रिट्यूसिस है ठीक है, हीमोफिलस ठीक है। तो का मीन्स क्या हो गया काली खांसी, काली खांसी में कौन प्रभावित होगा, नॉर्मल सी बात है श्वसन तंत्र प्रभावित होगा, मैंने अभी बताया था आपको पूरा का पूरा मानव का क्या होता है श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन सिस्टम प्रभावित होता है ठीक है। फिर उसके बाद में टिटनेस, टिटनेस आप किसी से पूछोगे बड़े बुजुर्ग से वो बताया कहा कि इसका तो जबाड़ा ही जुड़ गया था, बिल्कुल कहा कि जबाड़ा जुड़ गया था, तो ऐसा क्या होता है कहा टिटनेस हो गया था, टिटनेस है इससे व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, मतलब व्यक्ति के क्या हो जाता है तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है और भयंकर प्रभाव पड़ता है, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। मैंने कई टिटनेस के रोगी को देखा है और एक रोगी तो मैंने बिल्कुल इस तरह से था, वो कबड्डी का प्लेयर था और
उसमें पैर पे कोई चोट लगी, लगातार वो चोट का इलाज नहीं करवाया और वो चोट है कबड्डी के मैच में वो धीरे 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 वो चोट इसी तरह से वो प्रभावित होती रही और टेटनस बन गया। तो जब उसको उठाकर लेकर गए हम, तो उसमें उसका मुंह पूरा क्लोक हो रखा था, मतलब पूरा जबड़ा जुड़ गया था। डॉक्टरों ने वही बात है बोली, कहा कि बस 5 मिनट लेट हो जाते, बोलते हैं ना डॉक्टर बस 5 मिनट पहले, आप फिल्मों वाली बात भी बोलते हैं अपने आम जीवन में भी, कभी 5 मिनट थोड़े लेट हो जाते बस ये चला ही जाता, तो आपने ठीक किया बिल्कुल सही समय पर लेके आए। तो ये टिटनेस है बहुत ही भयंकर है, तो इससे तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है, और इससे नॉर्मल सी बात है टेटनस है तो इसका जो बैक्टीरिया का नाम क्या हुआ, क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम टिटने, क्या है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम नियम टिटेनी, टिटेनी भी बोल देते हैं टेटनी भी बोल देते हैं, ठीक है एक ही बात है। टिटनेस कौन सा है, टिटनेस प्रभावित अंग कौन सा है, मैंने बताया आपको तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र मीन्स क्या है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, देखो यहां एक तो काली खांसी आ चुकी थी, यहां बनेगा कोड, कौन सा है कोड, कोड में आपने देखा होगा कई बार ये कहा कि कोड में भी उसने इलाज कर दिया, मतलब कोड में भी वह डरा नहीं है, मतलब कई कोड व्यक्तियों के लिए वह दिन रात लगा। देखो कोड में क्या होता है, हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है और त्वचा के रोग हो जाते हैं, मतलब तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा और किसके रोग हो जाएंगे, त्वचा के रोग हो जाएंगे, मतलब एक तरह से स्किन डिजीज आना शुरू हो जाता है, तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होगा और डिजीज है स्किन के भी आना शुरू हो गए, बहुत ही भयंकर रोग है बहुत ही भयंकर। तो इसमें बस एक आपने देखा वो लेप्रोस्कोपी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जो हम क्या बोलते हैं लिप्रेसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोड को, क्या बोलते हैं लिप्रेसी, क्या बोलते हैं लिप्रेसी, तो नाम भी इसका ऐसे ही मिलेगा बैक्टीरिया का, लिप्री, क्या बोला है लिप्री, तो लिप्री बैक्टीरिया से यह होता है, किसे होता है लिप्री बैक्टीरिया से, आपको ये याद रखना है ठीक है। तो बस ये बोल सकते हैं कि माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री बोल देते हैं, लिप्री बोल देते हैं ठीक है, क्या है माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम, लेप्री। अब देखो न्यू न्यू से निमोनिया, आपने देखा वो छोटे बच्चों में टीका लगता है निमोनिया का, वर्तमान में आसानी से वर्तमान में निमोनिया होता नहीं है, वरना पहले समय काल में आप देखो बहुत सारे बच्चों की निमोनिया के अंदर डेथ भी हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में निमोनिया का अभी है वो टीका लगा जाता, मतलब इसका मतलब क्या है वो निमोनिया से बचने के लिए। हाँ लेकिन आपने देखा होगा कई बार जो जन्मजात शिशु है उस समय पर निमोनिया होने के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर इम्यून सिस्टम इतना डिवलप नहीं होता, तो निमोनिया है और निमोनिया के अंदर फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं बहुत ही भयंकर तरीके से, फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, निमोनिया में क्या प्रभावित होंगे, फेफड़े प्रभावित होंगे, नॉर्मल सी बात है क्या क्या प्रभावित होंगे, फेफड़े, ठीक है। फेफड़े लंग्स प्रभावित होते हैं ठीक है। इसका बैक्टीरिया कभी पूछा आता है, नहीं कभी पूछा गया नहीं है, लेकिन आप फिर भी याद कर सकते हो, अभी तक वैसे पूछा गया नहीं है, लेकिन आपको ये याद रहना निमोनिया ही तो है, निमोनी होगा बैक्टीरिया का नाम क्या है, निमोनी, तो इसको पूरा का नाम बोल देते हैं डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है डिप्लोकोकस निमोनी बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं है मीन्स क्या है, हेजा, है मीन्स क्या है, हेजा, हेजा है आपने खूब सुना होगा कि हेजा है दस्त लग गए हैं, तो हेजा में आप देखोगे आंत प्रभावित होगी, कौन प्रभावित होगी, आंत प्रभावित होगी, और ये तो बहुत इसका बैक्टीरिया तो बहुत ही पूछा जाता है, विब्रियो कोलेरी है बैक्टीरिया का नाम क्या, कोलेरा बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं कोलेरा, तो इसका नाम क्या, विब्रियो कोलेरी, ठीक है क्या नाम है, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। ठीक है,
तो यहां पर ये ध्यान रखोगे जो हिज्जा है उसको क्या बोलते हैं, कोलेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेरा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलेरा। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो निमोनिया को निमोनिया बोलते हैं, कोड को क्या बोलते हैं? लेप्रेसी। टिटनेस को टिटनेस बोलते हैं, काली खांसी को प्रट्यूसिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रट्यूसिस बोल देते हैं। ठीक है, प्रट्यूसिस, प्रट्यूसिस आएगा यहां पर, प्रियुटिसिस या प्रट्यूसिस, यूसिस, एक ही बात है। ठीक है, तपेदिक टीबी। डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया बोलते हैं, पेचिश है। पेचिश में हम नॉर्मली आप देखोगे तो इसमें व्यक्ति में क्या है, बहुत ही ज्यादा आंत में के अंदर प्रभावित होता है। और जो पेचिश रोग है मेनली आप देखोगे, पेचिश जो, एक मिनट, फेफड़े प्रभावित होंगे तो पेचिश नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ प्लेग होगा, प्लेग में होते हैं। पेचिश में तो पेचिश नहीं होगा, प्लेग होगा, सॉरी सॉरी, प्लेग है, थोड़ा ठीक कर लेना। पेचिस में तो आंत प्रभावित होती है, यहां होगा प्लेग, प्लेग को प्लेग ही बोलते हैं। ठीक है, प्लेग को प्लेग ही बोलते हैं, पेचिस नहीं होगा। पेचिस में तो दस्त लगते हैं और आंत प्रभावित होती है मेनली। ठीक है, तो यहां पर प्लेग होगा, ठीक कर लेना, प्लेग को प्लेग बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखो अभी हमने जो किया, मोस्ट ऑफ हमारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो पेपर में आते हैं वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए। देखो अब आप देखोगे मोस्टली कई बार ये पूछ लिया जाता है कि टाइफाइड है, जो टाइफाइड बहुत ही भयंकर रोग है और इससे टाइफाइड से कई व्यक्तियों में, जैसे इसको कई बार ये बोल देते हैं कि मोती जारा, मोती जारा ही टाइफाइड है, बुखार ही टाइफाइड होता है। और टाइफाइड में कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कई बच्चों के कंफ्यूजन रहता है, देखो इसमें आंत प्रभावित होती है, मतलब इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, और कई बच्चों के ये लगता है कि इससे आंत तो कहां प्रभावित होगी, तो ये तो टाइफाइड है, बुखार आता है। तो देखो टाइफाइड में जो इंटरनली जो सिस्टम होता है मानव का, वह बिगड़ जाता है, और इसकी वजह से आप देखो भोजन है वो स्वादिष्ट नहीं लगता। और इसके अंदर मोती जारा के अंदर अपने नॉर्मली क्या बोलते हैं कि मोती जारा के अंदर बाहर नहीं निकलना होता, इस टाइप से बोला जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास जाओगे कहे ये तो कोई बात नहीं है, ये जो साल्मोनेला टाइफी से होता है और हो जाएगा ठीक। तो और किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। और इसका सिंपल इलाज है, कोई ऐसा बड़ी भयंकर नहीं है, लेकिन कई बार झाड़ फूक, इसका झाड़ा भी लगवा लेते हैं कई लोग, कि झाड़ा लगा ले, और उससे क्या है टाइफाइड ही फिर टीबी का कारण बनती है। देखो टी टाइफाइड टीबी बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस रोग के अंदर थोड़ा ध्यान देना होता है, और थोड़ा सा डॉक्टर भी बोल देते हैं पानी से थोड़ा बचना है, इस टाइप से बोल देते हैं, थोड़ा परहेज रखना है, 5-1 दिन के अंदर व्यक्ति ठीक हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखें जो दो रोग हो रहा है जो लैंगिक संचारी से होते हैं। देखो लैंगिक संचारी से 3 रोग होते हैं, एक तो एड्स होता है वो विषाणु से होता है, वो वायरस में हम पढ़ेंगे, और जो दो रोग है गोनोरिया और सिफिलिस। गोनोरिया और सिफिलिस है, गोनोरिया और सिफिलिस, गोनोरिया और सिफिलिस, वह सिफिलिस, गोनोरिया वह सिफिलिस, ये दोनों के दोनों रोग ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। किसे? बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो आप गोनोरिया के अंदर हम देखते हैं, गोनोरिया में मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। मूत्र मार्ग में क्या हो जाएगी? सूजन आ जाएगी। मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, ठीक है, मूत्र मार्ग में क्या हो जाएगी? सूजन। इसके अंदर जो सिफिलिस रोग है यह भी एक भयंकर रोग है, यह भी लैंगिक संचारित। लैंगिक संचारित का मतलब है असुरक्षित लैंगिक संबंध बनाने से, असुरक्षित लैंगिक संबंध बनाते हैं तो उससे हो जाता है। तीनों रोग जो एड्स है और गोनोरिया है, सिफिलिस है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं लैंगिक संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लैंगिक संचारित रोग नहीं है, इसी तरह का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। गोनोरिया व सिफिलिस तो किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। और एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। सिफिलिस में क्या हो जाता है? जो सीसन होता है, सीसन, ठीक है, सीसन, तो उसके अंदर सीसन मार्ग में घाव आ जाते हैं, सीसन में घाव हो जाते हैं, ठीक है, सीसन में क्या हो जाएंगे? घाव हो जाएंगे, और यह भी एक भयंकर होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये पूरे के पूरे हमारे
बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोग हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसका थोड़ा सा एक और बना रखा है, देखो, बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी। सीएन साहब को एलपीजी से DST3 नामक बीमारी हो गई, कुकर खांसी होने वाली है। सी से कोलेरा, एन से निमोनिया, एल से लिप्रोसी, कोड जिसको मैंने बोला था, पी प्लेग, जी गोनोरिया, डी डिप्थीरिया, एस सिफिलिस, ठीक है, और टी टीबी, फिर उसके बाद में टे टेटनस, ठीक है, और टे टाइफाइड, ठीक है। तो टीबी भी हो गया अपना, टेटनस भी हो गया, टाइफाइड भी हो गया, कुकर खांसी हो गया, ठीक है, पर्टुसिस मैंने बोला था आपको, और फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पर्टुसिस बोलते हैं, और एक इसका एक और नाम है वूफिंग कफ, क्या बोलते हैं इसको, वूफिंग कफ, हीमोफिलस पर्टुसिस से होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहले बच्चों बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी, क्या है, विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी, ठीक है, विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी, ठीक है, सारा हमारा सही है। ठीक है, ये लिख दो आप है, जिसने नहीं लिखा, प्लेग को ठीक कर लेना, मैंने 25 लिख दिया था, 25 तो हमने पढ़ा था अभी, आपने ध्यान होगा, 25 से तो हमारा दस्त लगते हैं, और हमने किस में पढ़ा था, परजीवी द्वारा होने वाले रोग में पढ़ा था, ठीक है। आगे चलो, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी वैसे तो। अगला है विषाणु द्वारा होने वाले रोग, कौन सा है, विषाणु द्वारा होने वाले रोग, लेकिन साथ साथ में हो जाता है तो बढ़िया रहता है, विषाणु द्वारा होने वाले रोग, वायरस द्वारा होने वाले रोग, ठीक है, वायरस द्वारा होने वाले रोगों में, वायरस द्वारा होने वाले रोगों में हम देखते हैं तो मुख्य रूप से हम देखेंगे जो वायरस द्वारा रोग होते हैं उसके अंदर भी ऐसा ही देखना है कि वह किस वायरस से होता है, पहली बात, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, दोनों, तो ये हमारे मोस्ट ऑफ पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं। आप देखोगे इसको आपने याद करना है, रेखा हमें हिट करके, रेखा 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 हमें हमें हिट करके, हमें हिट करके, करके को छोड़ दो, करके हिट करके पीछे, पीछे छोड़ गई, पीछे छोड़ गई, ठीक है, देखें एक बार, स्पेस तो फिर आगे है, स्पेस है ना, जगह की आवश्यकता पड़ेगी, पीछे छोड़ गई, छोड़ अरे, ठीक है, गई गई, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो यहां एक टेबल सी बना लेते हैं, अब देखो इसमें हम देखेंगे कि प्रभावित अंग कौन सा है और किस विषाणु से होता है। रे मींस क्या है, रेबीज, रे मींस क्या है, रेबीज, रेबीज है, बहुत ही भयंकर है, और इसकी वजह से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, कौन प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मानव का नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है, इंग्लिश में हम इसको रेबीज बोलते हैं। और मुख्य रूप से आप देखोगे जो रेबीज है, रेबीज जो देखने को मिलता है वो रेबडो वायरस से देखने को मिलता है, किससे मिलता है, रेबडो वायरस से, प्यारे बच्चों रेबडो वायरस से, इंग्लिश में भी रेबडो वायरस बोलते हैं, वायरस को हम क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। खा मींस क्या है, देखो खसरा, खा मींस क्या है, खसरा, खसरा
खसरा है मुख्य रूप से संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और संपूर्ण शरीर को प्रभावित करेगा और मोरबिली वायरस से होता है। खसरा है, खा मींस क्या है, खसरा, और किससे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करेगा। आपने देखा चिटके चिटके हो जाते हैं पूरे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर चिटके हो जाएंगे, और ये किससे होता है, मोरबिली वायरस से। किससे होता है, मोरबिली वायरस से, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आप देखोगे है मींस क्या हो गया, हेपेटाइटिस, क्या बोल देते हैं, हेपेटाइटिस, या तो हेपेटाइटिस याद कर लो आप या हर्पीस याद कर लो, एक ही बात है, ठीक है, हर्पीस याद कर लो या हेपेटाइटिस है वो पीलिया, वो हम आगे यहां पर आ ही गया, यहां पर हर्पीस कर लेते हैं, हर्पीस है, हर्पीस, इससे क्या हुआ, त्वचा प्रभावित हो, बहुत ही भयंकर रोग है, त्वचा है बिल्कुल फट जाती है त्वचा, और यह वायरस है, हर्पीस नाम से ही एक वायरस होता है, उसी की वजह से यह होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस है, मेनिनजाइटिस बहुत ही भयंकर रोग है, मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और कई व्यक्ति है, कई व्यक्ति इसे तंग आकर, कई बार ऐसा भी रहता है कि मस्तिष्क में इतना तनाव आ जाता है, व्यक्ति है आत्महत्या भी कर लेता है। लेकिन हम देखें इसका इलाज है, इसका इलाज है, और इसमें कुछ ऐसा ऐसा होता नहीं है कि कोई कईयों को पता भी नहीं चलता, मतलब इसमें क्या होता है, कोई ये कोई विषाणु विषुणु हम देखें कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है इसका, तेज बुखार आता है इसके अंदर, क्या होता है, तेज बुखार इसका एक लक्षण है, ठीक है। ही मीन्स क्या, हेपेटाइटिस, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीलिया, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीलिया, पीलिया है जो इसके अंदर, आपको सभी को पता है कि इसमें कौन प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है, इसका भी आप देखोगे कोई विषाणु कुछ इन्फेक्शन हो जाए उसी की वजह से होता है, ठीक है, कोई वो नहीं है कोई ऐसा कोई विषाणु हो जिसकी वजह से होता है, ठीक है। टी मीन्स क्या है, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा में कौन प्रभावित होगा, ट्रेकोमा में आंख प्रभावित होती है, ट्रेकोमा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई पेपरों में आ चुका है, इससे हमारे क्या है आंख पर प्रभाव पड़ता है ट्रेकोमा के अंदर, और इसके अंदर आंख में और आंख में आंख लाल हो जाती है और आंख लाल हो जाएगी, ठीक है, आंख लाल व दर्द होना शुरू हो जाता है, आंखों में दर्द जलन आना शुरू हो जाती है। पी मीन्स क्या है, पोलियो है, पी मीन्स क्या है, पोलियो, पोलियो भी एक भयंकर है पोलियो, और इसमें क्या होता है, नाड़ी संस्थान और हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र में नाड़ी संस्थान, ठीक है, स्पाइनल, स्पाइनल प्रभावित होगा, नाड़ी संस्थान प्रभावित होगा, और जब नाड़ी संस्थान ऑप्शन में ना हो तो हमारा क्या होगा, तो रीढ़ मिलेगा, रीढ़ की हड्डी मिलेगा, ठीक है, रीढ़ नहीं मिलेगा तो हाथ पैर मिलेगा, ठीक है, हाथ पैर, देखो हाथ पैर की बजाय सबसे ज्यादा हाथ पैरों के अंदर भी क्या है, नाड़ी प्रभाव होती है, स्पाइनल प्रभाव होता है, ठीक है, इसलिए आप किसी भी बुक में देखोगे तो यही बोला जाएगा कि नाड़ी संस्थान प्रभावित होते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं नाड़ी संस्थान है यह सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, और वायरस का नाम भी क्या है, पोलियो ही है, वायरस का नाम भी क्या है, पोलियो है। फिर ए से क्या है, एड्स, ए से क्या है, एड्स है, ठीक है, ए से क्या है, एड्स, एड्स में सभी को ज्ञात है एड्स के अंदर, तो एड्स में क्या प्रभावित होगा, हमारा WBC प्रभावित होगी, मतलब हमारा कह सकते हैं कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है मानव का वह प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, एंटीबॉडी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, और प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होगा, और किससे होता है, HIV से होता है, HIV क्या है, ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो हम देखते हैं टैसे क्या है, ट्रेकोमा हो गया हमारा, ये चय है, सॉरी चय से जो चेचक आपने सुना होगा, चेचक बहुत ही भयंकर, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, संपूर्ण शरीर, और एक वायरस है वेरियोला वायरस, ठीक है, वेरियोला वायरस की वजह से होता है चेचक, ठीक है, चेचक है, चेचक है, इसमें कौन प्रभावित होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा, संपूर्ण शरीर, और किससे होता है, वेरियोला वायरस की वजह से, वेरियोला वायरस, इंग्लिश में भी वेरियोला वायरस बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे छह मीन्स क्या है, छोटी माता, छह मीन्स क्या है, छोटी माता, छोटी माता, तो हम देखते हैं छोटी माता में इसमें भी क्या होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, क्या होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है,
संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा। और इससे किससे होता है, वेरी वेरी सेला वायरस, किसे, वेरी सेला वायरस, ठीक है। तो आप देखो ये हमारा वेरी सेला वायरस है और वेरियोला वायरस है, ये आप थोड़ा सा देख लेना, कई बार बच्चों के कंफ्यूजन आ जाता है यहां पर, ठीक है। और यहां देखो छो मीन्स क्या है, वही आ गया, छो मीन्स भी क्या है, छोटी माता है, या इसको मान लेना या उसको मान लेना। डे मीन्स क्या है, डेंगू, डे मीन्स क्या है, डेंगू। क्या प्रभावित होगा, देखो आंख है बाहर निकलने को हो जाती है, डेंगू में क्या है, आंख बाहर निकलने को हो जाती है, आंख है बाहर निकलने को हो जाएगी। और क्या रहता है, और डेंगू में मोस्ट ऑफ आप देखोगे डेंगू में क्या हो रहता है, शरीर हड्डियां टूटना शुरू हो जाती है, हड्डियां है बिल्कुल अकड़न आ जाएगी हड्डियों में, और संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा, जो हड्डियों में जो हड्डियां है, आंख है, जो जोड़ है हड्डियों का, एक मिनट थोड़ा ये लेना था, आंख आंख जोड़, ठीक है, जोड़ डेंगू है ये, ठीक है, आंख जोड़ हड्डियों का, और संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा, संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा। और किससे होता है, किससे, इसे कौन से वायरस से होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह कई बार पेपरों में आ चुका है, अरबो वायरस से, किससे होता है, अरबो वायरस से, अरबो वायरस से, अरबो वायरस। फिर उसके बाद में गलसोथ, गलसोथ है, गलसोथ है, यह भी किससे, क्या होता है गलसोथ में, पैराथायरॉइड पर प्रभाव पड़ता है, किस पर प्रभाव पड़ता है, पैराथायरॉइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, बस इतना याद करना है, पैराथायरॉइड पर प्रभाव, ठीक है। फिर उसके बाद में ई मीन्स क्या, इन्फ्लुएंजा, 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 इन्फ्लुएंजा के बारे में पूछा जाता है, इससे क्या कहां प्रभाव पड़ेगा, इससे भी पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, पूरे शरीर पर, पूर्ण संपूर्ण शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण शरीर पर। और किससे होता है, मिक्सो वायरस से होता है, किससे होता है, मिक्सो वायरस से होता है, किससे होता है, मिक्सो वायरस से होता है, मिक्सो वायरस, ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, किससे होता है, मिक्सो वायरस से, ठीक है। तो इस रूप से आप देखोगे ये थे हमारे विषाणु द्वारा होने वाले रोग, कौन है, विषाणु द्वारा होने वाले रोग। फिर उसके बाद में आप देखोगे ये हमारा शॉर्ट ट्रिक बता दी इसकी सभी की, ठीक है, रेखा में हिट करके पीछे छोड़ गई, और ये किसका आ गया है, हमारा श्वसन तंत्र से, पानी में, पानी में कूद बेटी, ठीक है, पानी में कूद बेटी, ठीक है। देखो आपने देखा था, देखो प्लेग है हमारा, निमोनिया है, कुकर खांसी है, और यहां पर थोड़ा आप देखो दमा है, दमा है हमारा, किससे, कवक से होता है, लेकिन आप देखोगे पानी में कूद, प्लेग है, निमोनिया है, कुकर खांसी है। तो देखो कुकर खांसी के बारे में आपने ध्यान किया था, कुकर खांसी के बारे में, काली खांसी जो देखी थी, वो काली खांसी है, वो क्या है, किससे होती है, काली खांसी है, कुकर खांसी जिसको आपने बोला, कुकर खांसी, काली खांसी, वो किससे होती है, काली खांसी वो बैक्टीरिया से होती है, किससे होती है, बैक्टीरिया से, किससे होती है, बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया से होती है। और यहां देखोगे यहां पर प्लेग और निमोनिया, जो प्लेग रोग है आपने देखा था, जो प्लेग वह भी हमारा किससे होता है, प्लेग के बारे में आपने ध्यान किया था, वो हमारा सबसे नंबर वन पर आता है बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में, प्लेग है वो भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और निमोनिया है, निमोनिया वह भी हमारा किससे होता है, आपको मैंने बताया था, ये भी क्या किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। दमा है ये फफूंदी द्वारा होता है, श्वसनी शोथ है, और डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया के बारे में मैंने बताया था, ये भी किससे होता है, हमारा बैक्टीरिया से होता है। आप देखोगे कुकर खांसी, प्लेग, निमोनिया, प्लेग, निमोनिया, निमोनिया, और यहां कुकर दमा को छोड़ दो, और एक डिफ्थीरिया, और डिफ्थीरिया, ये सारे के सारे हमारे किससे हो रहे हैं, बैक्टीरिया से, किससे हो रहे हैं, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से। लेकिन ये कौन से रोग है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले, कौन, श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले, को प्रभावित करने वाले, ठीक है, मतलब हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखोगे यहां पर जो दमा, दमा है, जो दमा, दमा को हम क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्थमा, अस्थमा,
अस्थमा की खासियत देखना आप, अस्थमा जो जिस रोगी को होता है वैसे ये कवक से होता है, कवक क्या फंजाई बोल देते हम, फंजाई से होता है और व्यक्ति में आसानी से ठीक नहीं होता। अस्थमा रोग है, जैसे आपने देखा हुआ बेंगलोर के अंदर एक व्यक्ति है मछली खिलाता है कुछ डाल के, मछली के मुंह में कुछ डाल के दवाई डाल के मछली खिला देगा और कहा कि वो अंदर कवक को फफूंदी को ठीक कर देता है, लेकिन कई रोग कईयों को फायदा हो जाता है कईयों को कोई। अस्थमा एक तरह से हम देखें एलर्जी, यह एलर्जी रोग भी है, ठीक है। कई व्यक्तियों को किसी चीज से एलर्जी होती है और किसी व्यक्ति को किसी चीज से एलर्जी होती है, तो इसलिए पता नहीं चल पाता। इसी वजह से दमा को हम किसमें भी पढ़ते हैं, कवक फंजाई से भी पढ़ते हैं, क्योंकि कवक से ही होता है और एलर्जी का ही एक टाइप है, ठीक है। हम देखते हैं जो ब्रोंकाइटिस है, श्वसनी शोथ, तो इसमें श्वसन में सूजन आ जाती है। शोथ की मीन्स क्या है, सूजन, श्वसन नली में सूजन आ जाएगी, श्वसन नली में सूजन, सूजन। और ये सारी क्या कौन से रोग है, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है जो हमारे अलग अलग रूप से हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आज के लिए था हमारा इतना ही प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद में हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हम आगे के रोग है वो देखेंगे भी, कोई रोग ऐसा तो नहीं बच गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सही हो, और वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।